हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 198 के अंदर सेक्शन 30 और सेक्शन 32 को। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर कई बार सवाल पूछे हैं। यूपी के पीसीएस जे के मेंस में इससे सवाल बन चुका है। जैसे सवाल पूछा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 30 के अंदर कोर्ट ने समन्स इशू किया है और वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो कोर्ट कौन सा नेक्स्ट स्टेप ले सकती है उसके अगेंस्ट, मतलब कोर्ट अब क्या स्टेप ले सकती है उसके अगेंस्ट अगर जो व्यक्ति जिसको समन्स इशू किया गया था सेक्शन 30 के अंदर वो हाजिर नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सेक्शन 30 जो है, ये सेक्शन 30 है, इसके अंदर तीन पॉइंट भी बताए गए हैं कि कोर्ट जो है हो सकता है सुओ मोटू, या मतलब खुद से या किसी के एप्लीकेशन से किसी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन्स इश्यू कर सकती है, यानी किसी व्यक्ति को समन्स कर सकती है सेक्शन 30 के अंदर कि वो कोर्ट में हाजिर हो और कोई एविडेंस दे, या कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में है उसको प्रोड्यूस करें, या ऑर्डर कर सकती है कि कोई फैक्ट जो है उसको एफिडेविट के जरिए प्रूव करें, या कोई ऑर्डर कर सकती है कि जैसे इंट्रोगेटरीज को आंसर देने के लिए। इंट्रोगेटरीज कई बार सीपीसी के अंदर आता है, इसके ऊपर हम टॉपिक बनाएंगे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ऑलरेडी कवर करेंगे। इंट्रोगेटरीज होता है यानी जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ लिखित तौर पे सवाल दे देती है, यानी कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन डाल देती है कि हम उस पार्टी को एग्जामिन करवाना चाहते हैं, ये सवाल है। जैसे डिफेंडेंट चाहे तो प्लेंटिफ को करवा सकता है, वादी चाहे प्रतिवादी को करवा सकता है, या प्रतिवादी चाहे तो वादी को करवा सकता है, लिखित क्वेश्चंस के जरिए कि उसको पास भेजा जाए और वो इन क्वेश्चन के जवाब दे। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो कोर्ट इनके जरिए इसके लिए ऑर्डर कर सकता है सेक्शन 30 के अंदर। सेक्शन 30 के अंदर कोर्ट समन्स इशू कर सकता है किसी व्यक्ति को जो लगता है कोर्ट को कि उसका न्यायालय के अंदर हाजिर होना जरूरी है, किसी चीज के लिए न्यायालय उससे कुछ पूछना चाहता है, या उसके पास कोई दस्तावेज है, या कोई फैक्ट है जिसको न्यायालय चाहता है एफिडेविट के जरिए प्रूफ हो। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने समन्स इशू किया सेक्शन 30 के अंदर, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तब कोर्ट क्या कर सकता है? तब सेक्शन 32 के अंदर कोर्ट जो है उसके इस डिफॉल्ट में, यानी वो नहीं हाजिर होता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट उसके अंदर कई चीजें कर सकता है जो सेक्शन 32 के अंदर बताया गया। कोर्ट उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकता है, उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकता है कि उसको पकड़ के लेके आइए, या उसकी जो संपत्ति होगी उसको अटैच कर दिया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा सकता है, उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो फाइन 5,000 से ज्यादा की नहीं होगी, उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है, या कोर्ट जो है उसको ऑर्डर कर सकता है कि कुछ सिक्योरिटी जो है फर्निश करो, यानी कुछ सिक्योरिटी दो ताकि जब तुम्हारा जरूरत पड़े कोर्ट में हाजिर होने के लिए तो तुम अपियर होगे। अगर वो नहीं ऐसा करता है तो उसको कोर्ट जो है सिविल प्रिजन में भेज सकता है, यानी जो दीवानी वाला जेल होती है, जो सिविल का जेल होता है, उसमें भेज सकता है कोर्ट। तो ये सेक्शन 30 और सेक्शन 32 का इस्तेमाल है साथ में, कि सेक्शन 30 के अंदर किसी को समन किया कोर्ट ने और उसने बात नहीं सुनी, वो हाजिर नहीं हुआ, तो सेक्शन 32 के अंदर कोर्ट दूसरा स्टेप लेता है उसके अगेंस्ट।